महीने पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी अचानक, ये खाने के बाद ही हुई थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसमें ऑब्वियसली क्या था क्या नहीं था। इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही है। उनकी अभी भी तबीयत पूरी 100% ठीक नहीं हुई, तो मैंने रेकमेंड किया है कि कुछ खून के टेस्ट होने चाहिए उनके। बुशरा बीबी को जहर देने की कोई तस्दीक नहीं हुई। बुशरा बीबी की तबीयत बेहतर है, 100% ठीक नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम ने बता दिया, कहा बुशरा बीबी के तफसीली टेस्ट होने चाहिए, उम्मीद है जल्द टेस्ट की इजाजत मिल जाएगी। टेस्ट के बाद फाइनल होगा कि आखिर क्या वजह बनी। 2 माह पहले अगर कुछ हुआ तो मैंने नहीं देखा, माजी में कुछ हुआ तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बुशरा बीबी के मेदे में अब भी जलन है, अभी फूड पॉइजनिंग के कोई असरात नहीं है। वजीर इत्तला पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि बुशरा बीबी को झूठ बोलते थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। दोनों मियां बीबी शाहाना अंदाज में शाही जेल काट रहे हैं। वजीर इत्तला अता तारर ने कहा कि डॉक्टर आसिम ने बुशरा बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया है, मौलिज की तरफ से ये बयान आ जाना मुस्बत अमल है। जो खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को और उसमें मशकूक पाउडर के हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए। वज़ीर आज़म का जजों को मिलने वाले धमकिया में इस खतूत की तहकीकात कराने का ऐलान, कहा कुछ जजिस को धमकिया में इस खतूत मिले, मामले पर हमें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए, तहकीकात कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। काबीना इजलास से खिताब में कहा, हाई कोर्ट के जजिस के खतूत पर चीफ जस्टिस से मिले, इंक्वायरी कमीशन बनाया, तसद्दुक जलानी ने माजरत कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर अस खुद नोटिस ले लिया, अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पास है, हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। मजीद कहा, आईएमएफ के नए प्रोग्राम से मईशत में इस्तेहकाम आएगा, यकीनन आईएमएफ की शराइत आसान नहीं होंगी, पीआईए की निजकारी की टाइमलाइन पर हर सूरत अमल दरामद होगा। जजिस को मशकूक खतूत कहां से आए, तहकीकात में अहम पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस को खतूत एक ही जगह से भेजे गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खतूत पर मोहर सब डिवीजन पोस्ट ऑफिस एटले टाउन की है। लाहौर हाई कोर्ट के मशकूक खतूत रावलपिंडी इस्लामाबाद के पते से आए। खतूत में मौजूद पाउडर की जाँच पड़ताल जारी है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी खतूत का मुशाहिदा कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजिस को मशकूक खतूत मौसूल हुए थे। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजिस को खत मिले थे। दहशतगर्दी दफात के तहत 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इलेक्शन के दौरान कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इंतखाबात के बाद वो ऊंट होगा कि जहां हम बैठेंगे वहां हुकूमत बनेगा। एक्नॉलेजमेंट हो रहा है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को एक फेयर ट्रायल नहीं मिला। तमाम जमातें आपस में मिल बैठ के पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करें। हमने ये फैसला किया कि हम इस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे और हम भी अपना कोशिश करेंगे कि हम अपने अवाम का नुमाइंदगी करें। पहले ही कहा था कि पीपल्स पार्टी का ऊंट जहां बैठेगा हुकूमत बनेगी, हम विफाकी हुकूमत में शामिल नहीं, अब अदालती असलाहत की तरफ जाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में कारकुनों से खिताब, कहा शहीद भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया था। भुट्टो रेफरेंस का शॉर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है। ये भी कहा कि तमाम जमातें मिलकर अवामी मसाइल हल करें, हुकूमत को वक्त दिया जाए, कारकर्दगी दिखाए तो मौशी बहरान से निकला जा सकता है, कोशिश करेंगे आवाम की आवाज बने। आज सुबह ही ये रिजल्ट फाइनल हुआ है और उसके बाद जो रिजल्ट फाइनल हुआ है वो ये कि अरकान जमात ने कसरत राय से अमीर जमात मुंतखब कर लिया है और वो अमीर जमात हैं कराची के अमीर हाफिज नईमुल रहमान। हाफिज नईमुल रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब।
अप्रैल 2024 से अप्रैल 2029 तक अमीर जमात इस्लामी रहेंगे। मुल्क भर से जमात इस्लामी के कारकुनान ने हाफिज नईमुल रहमान पर एतमाद का इजहार किया। मुल्क भर से 46,000 कारकुनान ने खुफिया बैलेट के जरिए वोट कास्ट किया। अमीर जमात इस्लामी के लिए सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईम मैदान में थे। सिराजुल हक को 2014 में जमात इस्लामी का अमीर मुंतखब किया गया था। हाफिज नईमुल रहमान हैदराबाद में पैदा हुए, इस्लामी जमीयत तुलबा के बाद जमात इस्लामी का हिस्सा बने। कराची की सियासत में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अवामी मसाइल पर हाफिज नईमुल रहमान हमेशा पेश रहे। ईरान में दो पुलिस मिलिट्री पोस्टों पर हमले, फायरिंग के तबादले में 15 दहशतगर्द हलाक, 5 ईरानी सिक्योरिटी एहलकार भी मारे गए। ईरानी शहर रास्क और चाबहार पर हमले किए गए। ईरानी नायब वज़ीर दाखला के मुताबिक दोनों हमलों को नाकाम बना दिया गया। हमले में शामिल तमाम दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान की जानिब से ईरान में हमलों की शदीद मुज़म्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, दोनों ममालिक ने जनवरी के बाद तमाम राबता चैनल्स को बहाल कर लिया। ईरानी सदर के जल्द दौरे की तवक्को है। ईरान का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है। साइफर गुम करने का इल्जाम साबित हो तब भी 2 साल से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 51C या 51D में से एक में ही सजा हो सकती है। क्या ट्रायल कोर्ट के फैसले में दोनों में सजा हुई? कानून में इस इल्जाम पर 2 साल सजा का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 साल सजा है। साइफर कॉपी आजम खान तक आई है, ये तस्लीम शुदा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, साइफर कॉपी बानी पीटीआई को सुपुर्दगी का वाहिद गवाह आजम खान है? आजम खान का बयान निकाल दें तो सुपुर्दगी का कोई गवाह नहीं। किस कानून में है कि साइफर 1 साल के अंदर वापस करना होता है? समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। डाकों के खिलाफ कराची के शहरियों का सबर जवाब दे गया, सड़कों पर निकल आए। सुपर हाईवे पर डकैती की बढ़ती वारदातों के खिलाफ शदीद एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। शहरियों का फौरी डाकुओं को लगाम डालने का मुतालबा, कहा पुलिस की मोबाइल वैनें खड़ी रहती हैं, डाकू आजादाना शहरियों को लूटते हैं। जमात इस्लामी का ईद के बाद वजीर आला हाउस के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईम ने कहा, पुलिस की आधी नफरी VIPs की हिफाजत पर मामूर है। गुज़िश्ता रात भी स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ गुलिस्तान जौहर और नॉर्थ कराची में एहतजाज किया गया था। कराची में गुज़िश्ता रोज भी डकैती मज़ाहमत पर 2 शहरी कत्ल किए गए। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर मरने वालों की तादाद 51 हो गई। कराची में खुलेआम दनदनाता दरिंदा पकड़ा गया। दिन दहाड़े बापरता खातून को हरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम रजा ने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। पुराने गोलीमार में औबाश ने गली से गुजरती खातून से बदतमीजी की। हरासा करने पर खातून ने शोर मचाया तो मुलजिम भाग निकला। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने उसी की मदद से मुलजिम रजा को गिरफ्तार किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात, पहली खातून वज़ीर-ए-आला बनने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने पंजाब में जारी तरक्याती कामों से आगाह किया। उज़्बेकिस्तान के सफीर की भी मरियम नवाज से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर गुलाम कादिर भी वज़ीर-ए-आला पंजाब से मिले। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर की क़यादत पर एतमाद का इजहार। माली खसारे को कम करने के लिए खर्चों में कमी की जाएगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वज़ारत खजाने के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। खसारे का शिकार इदारों की असलाहत और निजकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, IMF के साथ आइंदा प्रोग्राम के लिए भी भरपूर मेहनत करेंगे। बैरूनी कर्जे को कम करने के लिए भी एक जामे प्लान मुरतब करके पेश किया जाए। जो हमारा चुराया हुआ मैंडेट है 8 फरवरी का, उसके लिए हमने जस्तजू जारी रखनी है। हम लोग अदलिया के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हमें भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं। जब तक तमाम शहरियों के हुकूक बराबर नहीं होंगे, इस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जजेस को धमकाने के मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। ईद के बाद इतिहादियों के साथ मिलकर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान।
बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ऑपोजिशन लीडर उमर अय्यूब ने कहा कि अदलिया के साथ खड़े हैं, 8 फरवरी को चोरी होने वाले मैंडेट के खिलाफ आवाज उठाएंगे। असद कैसर बोले कि बुशरा बीबी के खाने में जहर दिया गया, अब इनका मेडिकल कराया जाए। जजेस पर दबाव डालकर इसे बनाना रिपब्लिक बना दिया गया, हमारा एजेंडा आयन और कानून की बालादस्ती है। शिबली फराज ने कहा कि हमें फॉर्म 45 और 47 में फर्क करना होगा, जिनको आवाम ने मुस्तरद किया इन्हें मुसल्लत कर दिया गया। हकीकी आज़ादी मार्च केस, बानी पीटीआई और दीगर की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 6 जून को फैसला सुनाएंगे। हल्का एन ए 81 कुचरावाला से नूनली के असर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल, लाहौर हाईकोर्ट ने सुनी इत्तेहाद काउंसिल के बिलाल की दरख्वास्त पर नोटिफिकेशन मुअत्तल किया, दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया गया, रिटर्निंग अफसर ने वोटों की दोबारा गिनती पर 2500 वोट कम कर दिए। बिजली और गैस की कीमत बढ़ाई जाए, वर्ल्ड बैंक का भी डू मोर का मुतालबा, पेंशन इस्लाहात करने का कह दिया, कहा पब्लिक सेक्टर पेंशन का बोझ कम करने के लिए फौरी इस्लाहात की जाए, बिजली और गैस सेक्टर में बढ़ते गर्दिशी कर्ज को महदूद किया जा सके, वर्ल्ड बैंक का जाती इनकम टैक्स के निजाम में इस्लाहात का मुतालबा। सऊदी अरब की पाकिस्तान में बड़ी सरमाकारी का इम्कान, रेकॉर्डिंग पर सऊदी अरब से 1 अरब डॉलर की सरमाकारी मुतवक्के, पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ मनसूबों की तैयारियां जारी, वजीर आजम को सऊदी अरब से उम्रे की दावत मौसूल, शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद से मुलाकात तय होते ही रवाना होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर, पहली बार 100 इंडेक्स 68,000 की हद उबूर कर गया, इंडेक्स में 660 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 68,600 की सतह पर बंद हुआ। सियासी इस्तेहकाम आता है तो स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान आता है, ब्लूमबर्ग ने पेशगोई की महंगाई में कमी हो रही है, वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अता तारर का कहना है कि पीआईए की निजकारी का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, एफबीआर की भी डिजिटलाइजेशन होने जा रही है, मईशत को सियासत की नजर नहीं करना, पाकिस्तान है तो हम है। बानी पीटीआई के नए फोकल पर्सन तायुनात, शेर अफजल मरवत की छुट्टी, बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज, उमर अयूब, इंतजार हुसैन और अली जफर फोकल पर्सन होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी से चीनी सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, इंसदाद दहशतगर्दी तआफ़ुन और इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने की जरूरत पर जोर, सदर मुमलिकत से पाकिस्तान में रूस के सफीर की मुलाकात, रूसी सफीर ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी, सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा रूस के साथ तवानाई और बार्टर तजारत के शोबों में तआफ़ुन के फरोग के ख्वाहां हैं, सदर मुमलिकत से एयर चीफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म से फ़लस्तीनी सफ़ीर की मुलाकात, शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन की आज़ादी की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई, गाज़ा में इसराइली जारहत की शदीद मज़म्मत, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान और फ़लस्तीन का तारीखी और करीबी रिश्ता है, दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी फौरी रोके, सफ़ीर ने हिमायत पर पाकिस्तानी कौम से इजहार तशक्कुर किया। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही दोबारा पिम्स अस्पताल मुंतकिल, अडियाला जेल हुकाम ने अदालत को आगाह कर दिया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देने की दरख्वास्त निपटा दी। पाकिस्तान में सबके साथ कानून के मुताबिक सलूक देखना चाहते हैं, अमरीकी महकमे खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर की न्यूज ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप तरजीह है, दुनिया में हर जगह आइन की हुक्मरानी और इंसानी हकूक का तहफ्फुज़ चाहते हैं,
भारत से सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की तहकीकात और नतीजा चाहते हैं। श्री मजारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए कि काबीना के पास और काम बहुत है, ये काम हम कर देते हैं। पीपल्स पार्टी को हमेशा टारगेट किया गया, हमेशा मैंडेट छीना गया। PTI पर थोड़ी सी तकलीफ आई तो चीखें निकल गईं। हम तो 6 अशरों से ये जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है, मौजूदा हुकूमत भी अपना दौरानिया पूरा करेगी। हम आज भी मुल्क को निजकारी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। PIA ने सऊदी अरब के किरायों में बड़ी कमी कर दी। शुमाली इलाकों से सऊदी अरब का 2 दरफा टिकट 1.5 लाख से कम करके 1,03,000 रुपए का कर दिया। कराची से सऊदी अरब का उम्रा किराया 1.25 लाख से कम करके 95,000 कर दिया। रियायत का इतलाक 7 से 11 अप्रैल तक होगा। तावान लेकर भी शहरी कत्ल, रायवन में 3 बच्चों के बाप को मार दिया गया। लाश रूही नाले से मिली, जिशान और बिलाल नामी मुलजमान पकड़े गए। दोनों के निशानदही पर ही लाश मिली। 51 साल आसिम हुसैन को 12 मार्च को अगवा किया गया था। मुलजमान ने आसिम की बीवी से 5 लाख रुपए भी वसूल किए। 3 मुलजिम ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। गुजरांवाला के पुलिस अहलकार भी गैर महफूज। पुलिस कबड्डी टीम के पहलवान को घर की दहलीज पर लूट लिया गया। डाकू अहलकार से 5 लाख रुपए छीनकर फरार। वारदात की फुटेज सामने आ गई। अमरीकी सफारतखाने के वक्त की अडियाला जेल पे जाहिर जाफर से मुलाकात। नूर मुकद्दम के कातिल तक कौंसल रसाई दी गई थी। वक्त ने डेप्टी सुपरिटेंडेंट के रूप में मुलाकात की। शुगर एडवाइजरी बोर्ड इजलास में चीनी की बरामद का फैसला ना हो सका। वफाकी वजीर सनअत और पैदावार की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। शुगर मालिकान ने 15 लाख मैट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा किया। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा कि हमें पहले चीनी की मकामी तलब पूरी करनी है, फिर बरामद कर सकते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल को बुलाने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। सदर के खिताब से बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामानी साल का आगाज होगा। कौमी असम्बली का इजलास 18 अप्रैल को बुलाने का फैसला। सैनेट इजलास भी 9 अप्रैल को बुला लिया गया। इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब सैनेटर हल्फ उठाएंगे। बानी पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी। बिलावल भुट्टो जरदारी की घड़ी खुदाबख्श आमद। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाजार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह फयाल तालपुर भी साथ थी। 14 अप्रैल को घड़ी खुदाबख्श में जलसा होगा। आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो शहीद का मुल्क और आवाम से वो इश्क हमारी मीरास है। भुट्टो शहीद का अदालती कत्ल तेजी से तरक्की करते मुल्क के पीठ पे खंजर खोपने जैसा था। बिलावल भुट्टो बोले, शहीद भुट्टो केस में सदारती रेफरेंस दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त इकदाम है। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बिजली कंपनियों को भारी जुर्माने। नेप्रा ने 25 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग साबित हुई। कंपनियों को गुजशत साल सितंबर में शोकाज नोटिस भेजे गए थे। गुजरांवाला में नौजवान की रिक्शे पर अंधाधुंध फायरिंग। बाप के सामने 24 साल बेटी को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम नवीद लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता था, इनकार पर फायरिंग कर दी। मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज।
आमिर मीर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जिम्मेदारी मिलने का इम्कान, साबिक निगरान वज़ीर इत्तला'आत का मोहसिन नकवी के करीबी साथियों में शुमार। बाकायदा तायुनाती जल्द मुतवक्के, चेयरमैन पीसीबी अहम ओहदों पर नए चेहरे लाने के ख्वाहिशमंद। ताइवान में जलजले के कई दिल दहला देने वाली वीडियोस, निजी अस्पताल में नर्सों ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। नर्सरी में मौजूद नौमौलूद बच्चों की जिंदगियां बचाई। नर्सेस खौफनाक जलजले के बावजूद भागी नहीं। जलजले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी, 50 लापता अफराद का तहाल कुछ पता ना चल सका। गजा में बर्बरियत ना रुकी, इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट के 3 साबिक जजेस खड़े हो गए। वजीर आजम को इसराइल को असलहा देने के खिलाफ खत लिख दिया, इसराइल को असलहे की फरोख्त बंद की जाए। पाकिस्तान की करारदाद पर अकवाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल में बहस कल होगी। अमरीकी सोकर क्लब इंटर मियामी को कॉनकाफ चैंपियंस कप में शिकस्त। मेक्सिको के मॉन्टेरी क्लब ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टेबल टॉपर्स आर्सेनल ने लूटन को 2-0 से मात दे दी। मैं ड्रेस भी लेने आई हूँ और थोड़ी मैचिंग ज्वेलरी की करनी थी वो करने आई हूँ। चूड़ियाँ वगैरह और एयरिंग्स वगैरह खरीदने आए हैं। बच्चों ने चीज़ें तो लेनी है ना, ये थोड़ी देखना कि चीज़ें ना महंगी हैं या सस्ती हैं। अभी मैंने चूड़ियाँ ली हैं और अभी मैं जा रही हूँ शूज़ वगैरह देखने अपने ईद के। हमारी कोशिश यही है कि प्राइजेस रिजनेबल रखे जाएँ ताकि कस्टमर्स आए। और वक्त का मुकाबला सख्त, बाजारों में पड़ गया रश। महंगाई के तूफान में ईद की शॉपिंग जारी। मर्दों के महंगाई के शिकवे, खातिन के हाथ फिर भी ना रुके। रेडीमेड कपड़ों की मांग में इजाफा।